सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। देर हो गई, चलो ये ले। टीचर कहाँ है? वो रही। हाँ? अरे आ गई, छुपा लो। चल रही है। सुमन बिटिया, रहीम चाचा। जीती रहो जीती रहो, मुबारक हो, ले मिठाई खा। अरे इंटर के एग्जाम में तू अव्वल आई है, शाबाश। अच्छा ये बता तेरा बाबा कहाँ है? करण भाई तुम्हें क्या हुआ, आज फिर मार पड़ी क्या? रहीम चाचा क्लास में देर से आएंगे तो मार तो मिलेगी। ए सुमन तू अपने आप को ज्यादा टॉप मत समझ, हाँ जरा सा पढ़ लिख क्या गई? 87% इंटर। अरे ये इंटर फिंटर हमें भी आता है, सीएटी कैट कैट माने बिल्ली। बोल राइट या रॉन्ग, बोल बोल। राइट राइट, चल अब तू हाथ बढ़ा। अब तेरी पारी है। ये लड्डू सुमन कहाँ? करण भैया करण आप लड्डू। बोल बाबा इसमें लगी है। क्या कहाँ लगी है? यहाँ। तेरी तो संभल के। वाकई बड़ा ही अजीबो गरीब प्यार है तुम बाप बेटी में। रहीम साहब
इसी के सहारे तो जिंदा हूँ। पर ना इस उम्र में ये उछलना कूदना कहाँ शोभा देता है। बस यूं ही उछलते कूदते रहो, यही दुआ है। करण भाई, तुम्हारी दुबई में नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा, 6 महीने का काम और बढ़िया दाम। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी सब जरूरी कागजात। हाँ करण भाई, वो सुमन बिटिया के बारे में क्या सोचा है? सोचता हूँ सुमन को शहर में अपने दोस्त किशन के यहाँ छोड़ दूँ। बहुत चिंता है ना मेरी, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। तेरी ही तो चिंता है पगली। पैसा कमाना है, घर को सजाना है, तुझे पिता जो करना है। तुम बहुत याद आओगे बाबा, बहुत याद आओगे। मैं यही रहूंगी, यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहां शहर में किसी को भी तो जानती नहीं मैं। ए, तो इस बात की चिंता है तुझे? हाँ? अरे किशन, देख तो जरा ये क्या कह रही है। अरे पगली, पलकों पे बिठा के रखेंगे तुझे किशन और भाभी। उस घर से मेरा रिश्ता ही ऐसा है। कितने साल हो गए हैं किशन से मिले। कभी कभी तो उसे गले से लगाने की ऐसी हूक उठती है। सच बेटी, मेरा मन कभी तेरी ओर दौड़ता है तो कभी इसकी ओर, इसकी दोस्ती की ओर, जिसकी नींव मुझे भी नहीं पता कब पड़ी, क्यों पड़ी। मुझसे कभी पढ़ाई नहीं हुई, मगर वो हमेशा किताबों में उलझा रहता, सपने देखता रहता, शहर जाने का, तरक्की का, अमीरी का, मगर जेब खाली रहती थी। मुझसे पैसे लेते हुए शर्माता था, पागल। बस वो हंसता था, मैं खुश होता था। एक बार वो अपनी पढ़ाई की किताबें बेचकर मुझे मेरे पैसे लौटाने आया। मैंने खींच कर उसे एक चांटा मारा। मेरी दोस्ती को एहसान समझा उसने। उसकी किताबें वापस लाकर ही मुझे चैन मिला। मुझे याद है वो दिन जब उसकी शादी हुई। एक नई दुनिया में कदम रखा उसने। कितनी प्यारी भाभी मिली मुझे, हमेशा मुस्कुराती रहती, मगर मैं जानता था कि वे उदास थी। सालों तक अपनी गोद में एक नन्हे से फूल को खिलाने के लिए मैं उन्हें मंदिर लाया। हमने वहां मन्नतें मांगी, व्रत रखे कई दिनों तक। फिर राम जी ने उन्हें अपना वरदान दिया, वरदान भी ऐसा जिसने दिलों की कलियां खिला दी। बेटे के साथ किस्मत चमकी, किशन को शहर जाने का मौका मिला। वहां उसने अपना कारोबार शुरू किया, बड़ा आदमी बना। और वे लोग एक बार फिर आए जब तेरी मां चल बसी। एक हफ्ते तक भाभी ने तेरी देखभाल की एक मां की तरह। ट्रेन में बैठते समय तुझे सीने से लगाकर बहुत रोई थी भाभी। फिर ट्रेन चली, गए तू। कुछ सालों तक उसके खत आते रहे और फिर वो काम में और मसरूफ होता चला गया। मुझे यूं ही याद आता चला गया। ए सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, हम कल सुबह शहर जाएंगे। अरे बाप, भाभी घर तो बहुत सुंदर सजाया है। सुंदर तो हमारी सुमन हो गई है, कितनी प्यारी। भाभी हमका तो बहुत अच्छा खुशबू आवत है। हम जानते हैं कि तोहा बहुत अच्छा खुशबू आवत है। अरहर की दाल, जीरे हिंग का छौका लगाई। हाँ। बैठिए, थोड़ी देर में परोसती हूँ। अरे रामू, साहब से कहना कि अभी किशन घर पे है। और आपने मुझे बताया नहीं, कहाँ है वो? इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है। मिस्टर प्रभु, उनका ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए,
आज हमारा कॉन्टैक्ट सिर्फ टॉप लोगों से होना चाहिए। कॉन्टैक्ट? अरे फोन पर क्या कॉन्टैक्ट करना, खुद मिलने जाऊंगा उससे। Excuse me? देखना कैसे मिलता है। देखिए मिस्टर प्रभु, अब ये छोटे ताल्लुकात हमें शोभा नहीं देते। किशन, किशन कैसा है तू? माफ करना, यूं ही बीच में आ गया, रहा नहीं गया ना। तू काम कर, हाँ मैं बाहर भाभी के साथ हूँ। अच्छा कहाँ हो भाभी? घर में ही दफ्तर बनाए लो। मेरी कहाँ सुनते हैं वो। भाभी। हाँ जी। किशन की कलमों में सफेदी आने लगी है, काम बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है क्या? अब उम्र भी तो दौड़ती जा रही है भाई साहब, अब देखो ना बेटा भी जवान हो गया। अरे हाँ वो है कहाँ, छोटा सा था मुझे बाबूजी बुलाया करता था। जानती हो सुमन, उसका नाम भी मेरा दिया हुआ है, प्रेम, याद है ना भाभी? कैसे भूल सकती हूँ भाई साहब, मुझे मेरा बेटा मिला है तो आप ही की दुआओं से। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो सब राम जी की कृपा है कि वो इतने अच्छे माँ बाप के आंगन में खेले। मगर वो है कहाँ? इन्होंने ही जिद करके भेजा था उसे अमेरिका पढ़ने के लिए, अब तो पढ़ाई खत्म करके कल लौट कर आ रहा है। कल? कल की नहीं करण, रंजीत साहब से हमारी बरसों की जान पहचान है। ये है इनकी बेटी सीमा। रंजीत साहब शहर के बड़े रईसों में से एक हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कुमार साहब, इस शहर में अगर किसी ने तरक्की की है तो वे हैं आप। चंद सालों में 14 फैक्ट्रियों का मालिक हो जाना, इट्स इनक्रेडिबल, ग्रेट मैन। हम साथ में मिलकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। बाय द वे आपका क्या बिजनेस है मिस्टर करण साहब? जी मैं डीजल मैकेनिक हूँ। आई एम सॉरी, आज शहर आया हूँ, रात के हवाई जहाज से दुबई चला जाऊंगा। कुछ दिन रुक जाते करण। अरे लौट कर आऊंगा तो रहूंगा ना मजे से हफ्ते दो हफ्ते, इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। किशन देख, इससे कोई भूल हो जाए तो डांटने से नहीं चूकना। हाँ नो नो, शी इज मोस्ट वेलकम। अब हमें चलना चाहिए अंकल। ओ हाँ, आई एम सॉरी करण, बैंकर्स के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग है, चाहता था तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ू लेकिन। नहीं नहीं, तुम जमकर काम करो। कौशल्या गाड़ी ड्राइवर वगैरह अरेंज कर देना। जी चले। अच्छा करण, किशन एक बार गले नहीं मिलेगा यार? जा अब तो जा। रंजीत साहब, मीटिंग के बाद एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं सारे मैनेजर्स के साथ। अरे मनोहर तेरे पापा जी गए, चल आ जा। पापा जी गए? थैंक यू, थैंक। गंदे कपड़े नहीं पहनती थी। ये मनोहर है, प्रेम के बचपन का दोस्त, इनसे बहुत डरता है। डरता है? बरखुरदार, तुम किशन से डरते हो? कभी उसके अंदर झांक कर देखो, एकदम मोम की तरह है, मोम की तरह। ओके सर, बाहर से अच्छी तरह से देख नहीं पाता, अंदर झांक कर क्या देखूं, वो उधर से जाते हैं तो मैं इधर से निकल जाता हूँ। वेरी कड़क मैन पापा जी, वेरी कड़क मैन, ग्लैड टू मीट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, व्हाट अ मसल सर, केले खाने से मसल अच्छे हो जाते हैं। अरे तू फिर से खाने लगा? नहीं आज नहीं खाऊंगा, आज मेरा संतोषी माता का व्रत है ना। अच्छा संतोषी माता का व्रत है, झूठ बोलता है। आज नहीं कल था परसों, कब है मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, सुमन को घर दिखा के आजा। ठीक है, चलिए सुमन जी, रसोई से श्री गणेश करते।